बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर से पूरे देश में अब तक शोक की लहर है। दिलीप कुमार बीते लंबे समय से बीमार थे। इस बीच उनकी पत्नी सायरा बानो दिलो जान से उनकी सेवा करती रहीं। सायरा बानो दिलीप कुमार को अपने लिए कायनात का सबसे खूबसूरत, सबसे बेशकीमती तोहफा मानती हैं। वो जब से दिलीप कुमार की जिंदगी में आईं, उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि उनके साहब को कोई तकलीफ ना हो। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि वो रोज दिलीप कुमार की नजर उतारती थी। सायरा बानो ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि दिलीप कुमार बचपन में बेहद खूबसूरत रहे हैं। उन्हें बहुत जल्दी नजर लग जाती थी। उन्हें बलाओं से बचाने के लिए उनकी दादी और माँ उनकी नजर उतारती थीं। सायरा ने बताया था, दिलीप कुमार अब भी बेहद खूबसूरत हैं। उनको चाहने वाले दुनिया भर में हैं। उन्हें आज भी बहुत जल्दी नजर लग जाती है। एक फकीर ने कहा था कि 15 साल तक उन्हें बुरी नजर से बचाकर रखना है, इसीलिए उनकी माँ और दादी नजर उतारती थीं। उनका तरीका कुछ और था। मैं उनका सदका करती हूँ, गरीबों को कपड़े, अनाज और उनकी जरूरत की चीजें देती हूँ। सायरा बानो दिलीप कुमार से 22 साल छोटी हैं। जब दिलीप कुमार की सायरा से शादी हुई थी तो उनकी उम्र 44 थी और सायरा की 22। सायरा बानो कई इंटरव्यूज में दिलीप कुमार के लिए अपनी दीवानगी बता चुकी हैं। सायरा ने बताया था कि उन्होंने दिलीप कुमार को 13 साल की उम्र में देखा था। वो उन्हें तब से ही बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। सायरा के उनकी जिंदगी में आने से पहले दिलीप कुमार का दिल पहले 2 बार टूट चुका था। वो उम्र में फर्क की वजह से भी सायरा में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन सायरा बानो ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए हर कोशिश की। वो उनका बच्चे की तरह ख्याल रखती थीं और प्यार से कोहिनूर, साहेब और जान जैसे नामों से बुलाती थीं। आखिरकार सायरा का प्यार जीत गया और दोनों ने 1966 में शादी कर ली। दोनों ने इस शादी को, इस रिश्ते को, इस मोहब्बत को ताउम्र बेहद प्यार से निभाया। इनकी कोई संतान न होने के बावजूद इन्होंने कभी भी इस बात को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने दिया और एक दूसरे में ही हर रिश्ता जी लिया। तो ऐसे में एक पत्नी का अपने पति के गुजर जाने के बाद, अपने जीवन साथी का साथ छूट जाने के बाद कैसे जीवन अंधेरा सा लगता है, मानो पूरी जिंदगी की रोशनी ही चली गई हो। ये सायरा बानो का दर्द उनके आंसू देखकर महसूस किया जा सकता है। सायरा बानो को देखकर इस बात पर यकीन तो हो गया है कि रोमियो जूलियट ही नहीं, लैला मजनू ही नहीं, हीर रांझा ही नहीं, सायरा और दिलीप भी मोहब्बत का जीता जागता एक ऐसा रूप है जिसने लोगों को मोहब्बत की खूबसूरती बताई है। सच्ची मोहब्बत क्या होती है ये दिखाया है ताउम्र इस मोहब्बत को निभाकर। अब सायरा बानो ने दिलीप साहब को खो तो दिया, लेकिन दिलीप साहब को पाकर जिस सायरा बानो ने खुद कहा था कि ईश्वर ने उन्हें इस कायनात में सबसे बड़ा तोहफा दिया, दिलीप साहब को उन्हें दे दिया। उस दिलीप साहब के लिए सायरा क्या थी ये कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि सायरा बानो जीवन के हर पड़ाव में, हर सुख दुख में दिलीप कुमार के साथ खड़ी रही, हमेशा एक डेडिकेटेड वाइफ बनकर उनकी खूब सेवा की, अपना पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर दिया। बताया जाता है कि दिलीप कुमार कई सालों से बेड पर और व्हीलचेयर पर आ गए थे। उन्हें कुछ ठीक से याद भी नहीं रहता था, पूरी तरह से सायरा पर डिपेंडेंट थे, लेकिन तब भी सायरा ने दिन रात पूरे मन से उनकी सेवा की। बताया जाता है कि दिलीप साहब की शर्ट पर जरा सा दाग भी लग जाता था तो सायरा तुरंत अपने साहब के कपड़े बदलवा देती थी। अब उम्र के इस पड़ाव पर जब दिलीप साहब का साथ छूट गया है तो सायरा पूरी तरह से टूट गई हैं। न संतान है, न कोई ऐसा जो अपना हो, करीब हो। जो थे वो सब कुछ दिलीप साहब ही थे। और उम्र के इस पड़ाव में जब सबसे ज्यादा जीवन साथी की जरूरत होती है, तब ऐसे में दिलीप साहब अपनी सायरा को अकेला छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि दिलीप साहब को सुपुर्दे खाक करने के बाद जब सायरा घर लौटी तो उस घर में दिलीप साहब को न पाकर चीख चीख कर रोने लगी और ये आंसू अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे। हम अल्लाह पाक से, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि वो सायरा को ये दुख, ये दर्द सहने का सब्र दें।
दिलीप साहब कहीं नहीं गए, वो हमेशा अपनी सायरा के आसपास ही रहेंगे, हम सबके दिलों में ही रहेंगे। सायरा बानो दिलीप कुमार साहब की फैन थी और जब दिलीप कुमार साहब से उनकी शादी हो गई तो उनके लिए ये एक हसीन सपने की तरह हो गया। वो दिन है और दिलीप कुमार साहब की जिंदगी का आखिरी दिन है। सायरा बानो ने उनका हाथ थामे रखा। सायरा बानो हमेशा साये की तरह अपने साहब के साथ रहीं। पिछले कुछ समय से दिलीप कुमार साहब बीमार चल रहे थे, वो व्हीलचेयर और बेड पर ही थे और उनकी मेमोरी भी कम हो गई थी। इस दौरान भी सायरा बानो हर वक्त हर पल दिलीप कुमार के साथ बनी रहीं और उनका बस यही काम था कि अपने साहब का ध्यान रखना। एकाएक जब दिलीप साहब की डेथ हो गई तो सायरा बानो ने अपने आप को बहुत संभाला। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में जब उन्हें घर पर ले जाया जा रहा था तब सायरा बानो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आईं, लेकिन जैसे ही दिलीप कुमार साहब के आखिरी पल आए, जैसे ही दिलीप कुमार साहब को दफनाने की तैयारी की गई, उस पल सायरा बानो बुरी तरह से टूट पड़ी और दिलीप कुमार साहब को आखिरी अलविदा कहने से पहले सायरा बानो ने उनके बाल बनाए, उनसे गले लगी और उन्होंने दिलीप साहब को एक आखिरी किस भी दिया। जी हाँ, सायरा बानो और दिलीप कुमार के इन आखिरी पलों की ये पिक्चर्स काफी वायरल हो रही हैं। जो कोई ये पिक्चर्स देख रहा है, इन पिक्चर्स में दिख रहे इमोशन से हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं और जिस तरह से सायरा बानो इन पिक्चर्स में अपने साहब को आखिरी अलविदा कह रही हैं, वो वाकई में बहुत दर्द भरा है। जिस वक्त दिलीप कुमार साहब थे तब भी सायरा बानो ने इंडस्ट्री में इंटरव्यूज के दौरान कहा था कि वो सोच भी नहीं सकती हैं कि दिलीप कुमार साहब के बिना वो कैसे रहेंगी और दिलीप कुमार साहब के बिना वो कभी जी ही नहीं पाएंगी। सायरा बानो शुरुआत से ही दिलीप कुमार साहब की एक डेडिकेटेड वाइफ बनकर रहीं। उन्होंने दिलीप कुमार साहब का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। डेथ से कुछ समय पहले जब दिलीप कुमार साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था तब भी सायरा बानो ने मीडिया से बात की। उस दिन भी सायरा बानो दिलीप कुमार साहब से झुककर उन्हें कुछ कह रही थी। ये सारी पिक्चर्स भी काफी कैप्चर हुई थी। कुछ हॉस्पिटल के वीडियोस भी सामने आए जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे सायरा बानो अपने हाथों से दिलीप कुमार साहब को खाना खिला रही थी। और अब ये जो आखिरी पलों की पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे सायरा बानो ने अपने सुपरस्टार पति, अपने साहब दिलीप कुमार को आखिरी अलविदा कहा। वाकई दोस्तों, बीवी हो तो ऐसी। अलविदा दिलीप कुमार साहब, आप हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।